नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जहर खाने से महिला की हुई मौत, परिजनों ने किया चक्का जाम। गत दिनों बरा चौकी में हुआ था ट्रैक्टर चोरी। चोरी की घटना के बाद भी नहीं मिली थी रिपोर्ट। पीड़ित महिला ने SDOP को भी दिया था ज्ञापन। मध्य प्रदेश के सागर में शुक्रवार की शाम को बंडा के मुख्य मार्ग पर शव रखकर लोगों ने चक्का जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। मामला गत दिनों एक ट्रैक्टर चोरी की घटना को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें बरा पुलिस चौकी द्वारा रिपोर्ट ना लिखने के बाद पीड़ित महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दिए जाने के बाद आज मामले में नया मोड़ आ गया। पीड़ित महिला ने जहर खा लिया। महिला के जहर खाने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद मृतक महिला के परिजनों ने महिला का शव राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर जाम कर दिया और बरा चौकी में पदस्थ मुंशी के लिपंबन की मांग की तथा ट्रैक्टर चोरी के संलग्न बरा समिति प्रबंधक की FIR दर्ज किए जाने की मांग की। मौके पर विधायक तरवर सिंह लोधी और तहसीलदार पहुंचे और महिला के परिजनों को समझाइश देने में जुट गए। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। कुछ दिनों पहले ग्राम बरा निवासी महिला दुर्गेश राजपूत के पति का ट्रैक्टर चोरी हुआ था। चोरी गए ट्रैक्टर को ग्राम बरा समिति प्रबंधक राम रतन मिश्रा द्वारा अपने घर में रखा गया था, जिसे पुलिस ने तलाश कर जब्त कर लिया था। और इस मामले को लेकर पीड़ित महिला दुर्गेश राजपूत ने बरा समिति प्रबंधक पर FIR दर्ज किए जाने तथा उसके द्वारा धमकी दिए जाने और राजीनामा के लिए दबाव बनाने की गुहार SDOP से की थी। महिला दुर्गेश राजपूत ने शुक्रवार को जहर खा लिया। परिजन महिला को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए, जहाँ उपचार के दौरान महिला दुर्गेश राजपूत की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद महिला के परिजनों ने शव मेन रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान जानकारी मिलने पर विधायक तरवर सिंह लोधी और तहसीलदार पहुंचे और महिला के परिजनों को समझाइश दी। सागर SP अतुल सिंह ने जब कहा कि बंडा थाना प्रभारी को पृथक कर दिया गया है और दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्यवाही की जाएगी, उसके बाद चक्का जाम हट पाया। सागर बंडा से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। उन्होंने अगर अभद्र व्यवहार किया तो उसकी अलग कार्रवाई, क्योंकि सर बच्ची के साथ लिखवा दी हो। ठीक, ये गलत है सर। समिति प्रबंधक द्वारा दबाव बनाया गया था इस मामले। जो मृतक के मृतका के परिजन हैं, उन्होंने जो भी बातें बताई किन परिस्थितियों में, मतलब लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, तो उसके आधार पे आपराधिक प्रकरण उस पंजीबद्ध किया जा रहा है। दूसरा उनका एलिगेशन था कि पुलिस ने समय पर इसमें कार्रवाई नहीं की और आज दिनांक को भी जो है थाना प्रभारी ने उनके साथ में समुचित व्यवहार नहीं किया। उस चीज़ को मामले की गंभीरता को देखते हुए और चूंकि जिन परिस्थितियों में मृतक की मृत्यु हुई है वो अपने आप में काफ़ी गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण, इसलिए उनकी और क्षेत्रीयजनों की मांग को देखते हुए थाना प्रभारी को यहाँ से पृथक किया जा रहा है। जो भी इनके पुलिस के संबंध में जो भी इनके आरोप या आक्षेप या जो भी गुस्सा है उसके संबंध में कल SDM एक इनके बयान लेंगे और उसमें अगर किसी पुलिस वाले की लापरवाही पाई जाती है तो वो भी पृथक से कार्रवाई की जाएगी। सर अभी चक्का जाम हट गया है कि अभी वो बैठ बातचीत हो गई है, वो राजी होगा यहाँ से। सर एक वो बच्ची के लिए जिस प्रकार से एक पुलिस के द्वारा रवैया अपनाया गया अमानवीय, इस पर क्या कहेंगे? अभी तो देखिए कल SDM के समक्ष पहले एक बार बयान लिपिबद्ध हो जाए, उसके बाद फिर देखिए। मोबाइल होता हूँ पीछे हटा दूर हो बैठ जाओ पहली मांग है TI को निलंबित करो। बात बताओ बात ये है हल्ला नहीं करो शांत हो जाइए उतना शांत हो जाइए उतना। मम्मी की डेथ हो गई, मैं यहाँ पे आ गया हूँ 4 घंटे 5 घंटे से यहाँ की वहाँ घुमा रहे, यहाँ आ रहे फिर वहाँ ले जा रहे, फिर यहाँ पे आके TI ने बहन को मार दिया गाल पे।
दारू ये देखो दारू वारू का मुझे नहीं मालूम, जो तो वो तो बंडा की जनता बोली, मुझे कुछ भी मालूम। उसने मारा आंखों के सामने मेरी, उसके बाद ना कुछ लिख रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं लिख रहा। छह दिन पहले मम्मी खुद आई थी रिपोर्ट डालने, उसके बाद फिर कोई कार्रवाई ना बड़ा पुलिस ने की ना बंडा टीआई ने की। उसके बाद मम्मी खुद एसडीओपी साहब के यहाँ गई, वहाँ आवेदन दिया, उनने फिर हमें आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद वो आके आरोपी दवाई जब पिलाई गया ऐसे सीसी बाल पकड़ के सामने, फिर उसके बाद तब मैं यहाँ लेके आया हूँ। किसके सामने पिलाया? मेरे सामने पिलाई सर, ये देखो मेरे ऊपर झलक भी गई थी। हमने नहीं पकड़ा उनको, जो पकड़ा तब सर मैं पीछे था, मैं फोन चला रहा था, उसके बाद मैं पीछे पीछे जा रहा था, मम्मी पहले निकल गई थोड़े से 2-3 मिनट के अंतराल से, मैं पीछे से पहुंचा तो उसने मुझे धक्का मारा तो फिर भाग गया सर। उसके साथ 2-3-4 जन और थे, उनको मैं नहीं पहचानता कौन थे। देखो तुम्हारी जो भी मृत्यु हुई है इसके कारण रामनाथन मिश्रा पुलिस प्रशासन के कारण। एक में एक बात करो, तुम कौन हो भाई? लड़का झूठा वाला, बड़ा भाई बात कर रहा है, जिसके कारण कार्रवाई हुई है डीआई के कारण कार्रवाई, मौत हुई है। यदि वो 2 दिन पहले कर देता कार्रवाई तो आज ये होती नहीं हालात। 2 दिन पहले सलाखों के पीछे होता तो ये कहाँ हो जाता सर? मैं कुछ नहीं, मैं कोई सर बात अगर नहीं की है तो उसकी जांच हो जाएगी। जांच कुछ नहीं होगी सर, यहाँ पे बंडा जनता की मांग है। जो राम रतन मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हो वहाँ तक तो बात समझ में आती है, ठीक है ना? लेकिन सर हम आपको आप दिखा रहे ना, रिपोर्ट दिखा रहे, बोलो कल हम रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। मेरे पास ठीक है ना, रिपोर्ट मैंने देख ली है, जो आपने की है और मिश्रा ने की है दोनों रिपोर्ट मैंने देख ली है, बरा चौकी की दोनों के आवेदन मैंने देख ली है, पूरा प्रकरण समझ लिया है, कि जितनी बात जो कार्रवाई वैधानिक हो सकती है जायज हो सकती है अपन उसी को ही विचार। सर मैं जब तक बंडा टीआई नहीं होगा ये थप्पड़ मारने वाला अच्छा काम है। देखो सुनो, जो आप बात बोल रहे हो बंडा टीआई के खिलाफ उसकी हम जांच करा लेते हैं, उसकी जांच सुनो, ये माँ तुम्हारी है ठीक है ना, एक रीजन बात करो अपनी माँ के हिसाब से बात करो। यहाँ तमाशा इस तरह से अगर माँ बीच रोड में रखी है तो तुम्हारी माँ है ना, तो माँ के लिए उस पे जिस व्यक्ति ने जिसके कारण ये परिस्थिति निर्मित हुई उस पे कार्रवाई की बात करो, वो तो कार्रवाई कर रहे हैं। आपका सुनो मेरी पूरी बात सुनो, अगर आपका टीआई के खिलाफ कोई आरोप है तो हम उसकी पहले जांच कराएंगे, उसको हम हटा देते हैं यहाँ से ठीक है ना, और उसके बाद कोई कार्रवाई। सर वो निलंबित नहीं होगा, निलंबित निलंबन क्या होता है क्या जानते हो? अच्छा तुम निलंबन के बारे में क्या जानते हो बताओ, तुम बोल रहे हो ना निलंबित, निलंबित में क्या होता है बताओ, निलंबित में क्या होता है बताओ तो, कल को हम कुछ कर दे तुम बोलो कि साहब निलंबन का मतलब ये नहीं होता, आप पहले स्पष्ट करो निलंबन से आपका क्या मतलब है बताओ। मैं गलत इसीलिए तो बोल रहा हूँ, उसको हटाने की बात कर रहा हूँ, आप जो मतलब ये थप्पड़ मारना अच्छी बात है, मैं उसको कहीं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मैंने बोला है कि अगर उसने कहीं कोई गलत कार्रवाई की है उसको हटा के उसकी जांच कर रहे हैं। आपके बयान दिया यहाँ पे क्यों, आपके बयान अच्छा एक बात सुन लो, आपके बयान आपकी माँ के दाह संस्कार के पहले एसडीएम से होंगे ठीक, उस पर जो भी बात होगी बिल्कुल होगी भाई, पुलिस की बात है हम पुलिस के बयान नहीं मानते ठीक है ना। आप बोल रहे हो टीआई के खिलाफ ना, मैं अपने कलम से भी आपका बयान नहीं लिखूंगा कि कल को आपको लगे कि हमने टीआई का बचाव किया, कल सुबह एसडीएम यहाँ आएंगे, एसडीएम आपका बयान लेंगे ठीक है ना, हम टीआई को हटाए दे रहे हैं ठीक ठीक बस। लेकिन जो आप बात बोलोगे अपने बयान पे कायम रहना, मेरे घर पे आके सुनो एक बात सुन लो, अपने बयान पे कायम रहना बस, कल के बाद फिर हमसे कोई और दूसरी बात मत बोलना, नहीं बोलूंगा ठीक है ना। तो फिर ये बात हुई, आप कल सुबह यहाँ पे सबसे पहले एसडीएम आएंगे, आपके और आपकी बहन के जिसकी भी जो है सारी बयान लेंगे ठीक है ना। सर एक मांग और, हाँ जो बड़ा प्रशासन के लिए मैं 3 दिन से घूम रहा, मम्मी खुद घूम रही, हाँ। उनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ उनसे मेरे पास आया खुद पैसे मंगाने, पापा से बोला कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ पैसे तो। एक बार बयान में सारी बातें बोल दो फिर आप देखो मैं क्या कार्रवाई कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इस क्षेत्र में मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि लोग बात मेरे सामने आके बात बोलते हैं और फिर जब कागज में बात आती है तो कुछ और बोल जाते हैं और हम पलट जाते हैं। ठीक कुछ भी नहीं बोले राजपूत हो, अपनी जबान पे कायम रहना। सर मैं अपनी मरी हुई मां की कसम खा रहा हूं, जो बोलूंगा बोलूंगा, पूरी लाइव पे वीडियो बना लो। चलो 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 सर, तो चलो इस बात पे कायम रहना, कल सुबह एसडीएम को ठीक है चलो बस उठा लो। एक मांग हम चाह रहे हैं, 4 दिन से हमारी बेटी, जब 5 दिन से हम चाचा है, 5 दिन से फिर रही पुलिस में गुहार लगाई, 6 महीना से ट्रैक्टर वो गुंडा घर में रखा, और क्या बोल रहे हो कि हम तुम्हारे लड़कों को मर्डर कर रहे हैं, हमारे नाम से करो सुरक्षा, क्या बोल रहे हो कि लड़कों को हम मर्डर कर रहे हैं, ना जा हमारे नाम से करो, स्टैंड पे 18 कमरों को प्लाट
बुलंद भरवाए डारे का बोल रही बा राम रतन के जो हमारे नाम करो और जो तुम्हारे ट्यूबवेल पानी दे रहा वो हमारे नाम करो ट्रैक्टर करो ना तुम्हारे लड़का को मटर का रहे ये बात जाज है का ऐसा होने जब जे पुलिस थाने थाने फिर रही अब मेरी बात और रिपोर्ट नहीं लिखी पुलिस ने सुनो सुनो बात आप उसके पिता हैं हाँ मैं यहाँ पे सिर्फ इस बात पे आया हूँ मैं नहीं आता ठीक मैं यहाँ सिर्फ इस बात पे आया हूँ कोई महिला पहली बात मुझे जो इस पूरे प्रकरण में जो चीज़ अस्वाभाविक लगी ट्रैक्टर का मामला ऐसा है और हम जिस समाज में हैं उस समाज में पुरुष आगे आते हैं कोई महिला ने पहली बात आवेदन दिया सुनो मेरी बात बात ही नहीं सुन रहे हो किसी महिला ने आवेदन दिया हो सकता है उसको लगा उस पर कार्रवाई नहीं हुई वो फिर यहाँ SDOP कार्यालय में यहाँ भी आवेदन दिया मैं उसकी पीड़ा के कारण आया हूँ कि किसी महिला में इतनी पीड़ा थी उसके ट्रैक्टर को लेकर कि जिसके कारण जो भी जिस हालत में वो खत्म हुई है लेकिन वो महिला तो पीड़ा से थी मुझे इनसे मतलब नहीं इनकी जिंदगी है ये जिंदगी संभाल लेंगे ठीक है उसकी पीड़ा के कारण मैं यहाँ आया हूँ और उसकी पीड़ा के कारण ही मैंने आपकी सारी बातें कुछ हो सकता है उसमें जायज हो कुछ ना जायज हो मैंने मांग ली ठीक है सिर्फ उस महिला के कारण जिसने इस पीड़ा को सहते हुए अपनी जान दी तो आप जितना समझते हो उस दर्द को हम भी समझ रहे हैं ठीक है ना और जिसने भी किया है जो चौकी स्टाफ है उसको पहले बोल दिया है हटाने का वो तो वहाँ नहीं रहेगा ठीक है ताकि ये कोई बात ही ना रहे कि आगे की भी जांच में बोले कि ये इसके दबाव वो सब हम स्पष्ट करेंगे और सर हमारे इन बच्चों को इनको कोई वो कभी भी वो गुंडा है वो हम कार्रवाई कर लेंगे हम सुरक्षा चाहते हैं हाँ वो मिल जाए हम सुरक्षा चाहते हैं पहले एक चीज बोलना चाहते हैं इनके दहन संस्कार तो बंद कर दें इसके पीछे का कल के दिन इनको गुंडे के पीछे लगे इनको मार देगा बच्चे अरे ऐसा नहीं होगा भाई आज केस कायम हो रहा है क्योंकि स्वयं इनको जहर पिला के गया और लड़के के ऊपर गिर गया धमकी भी दी थी उसका जिम्मेदार पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी जिसने ये किया है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है बिल्कुल आप जो बोलोगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी अभी नहीं सुनवाओ सब कल सुनवाना था ठीक है हम सुन लेंगे हम समझ रहे हैं हम कहीं भी नहीं बोल रहे कि आप जो बात बोल रहे हो उसमें कोई शंका या सुबह है ये लाश पड़ी है ये यही सबसे बड़ी गवाह है कि कोई घटना गंभीर हुई है ठीक है आवाज तेज कर दी हेलो रुक जाए यार थोड़ी एक